बॉस, अगर तुम सोचते हो कि प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में तुम्हारा भ्रम तोड़ने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साल 2005 से साल 2009 तक 20 में से 17 ग्रैंड स्लैम सिर्फ दो बंदों ने जीते थे, और ये वही साल थे जब टेनिस में दोनों बंदों की बादशाहत थी। ये तब का दौर है जब टेनिस में इनके सामने खेल पाना तो छोड़ो, खड़े रह पाना मुश्किल था। और इसी दौर पे एक बंदे को लत लग जाती है हद पार मेहनत करने की। उसको पागलपन सवार हो जाता है हद पार मेहनत करने का, और इस पागलपन में वो बंदा दिन रात मेहनत करता है, दिन रात प्रैक्टिस करता है टेनिस की। और उसने इतनी प्रैक्टिस की कि अगले 6 महीनों में उस बंदे ने 11 में से 10 बार इन दोनों बंदों को हरा दिया, जिन्हें कभी हरा पाना नामुमकिन था, जिनके सामने टिक पाना नामुमकिन था, उन्हीं दोनों बंदों को इस बंदे ने अकेले हरा दिया। बॉस, ये होती है द पावर ऑफ प्रैक्टिस। जो दुनिया में असंभव होता है उसे भी करके दिखाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस के दम। क्योंकि आप किसी भी गेम को जीतने के लिए कितनी मेहनत करते हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उस गेम को जीतने के लिए आप मेहनत की किस हद तक जा सकते हो। बॉस, कुछ ऐसा ही किस्सा एक ऐसे बंदे का जो एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ जिससे इंसान की बोन्स फ्रैक्चर हो जाती। ऐसे हालात में सोचो ये बंदा क्या कर सकता है, शायद कुछ नहीं। पर भाई को नहीं पता था, भाई ने ठान लिया म्यूजिशियन बनने का, और उसने 8 साल की एज में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो दुनिया में असंभव था। भाई ने दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रैपर एमिनम के सॉन्ग को एमिनम से भी फास्ट गा दिया। ये होती है प्रैक्टिस की सर, उसके लिए सबकी लाइफ में आती है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। सबको पता होता है कि आगे अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट ऐसे हालात में चैंपियंस ये नहीं सोचते कि अब आगे क्या होगा। ऐसे हालात में ये सोचते हैं कि आगे मुझे क्या करना होगा। बिकॉज हालात सबके खराब होते हैं, सबको आसानी से मौका नहीं मिलता, बट ऐसे हालात में नेगेटिव सोचने की बजाय चैंपियंस हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। एक ऐसा बंदा था जो बोलने में अकलाता था, जिसे बोलने में प्रॉब्लम होती थी, उसने सोचा एक्टर बनने का। इस दुनिया में अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को एक्टिंग करने का मौका नहीं मिलता, अच्छे अच्छे लोग अपने टैलेंट का गला रेत देते हैं अपने सपनों का। बट इस बंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और कड़ी मेहनत के बाद जब उस बंदे को कहीं पर भी काम ना मिला तो उसने खुद का शो बनाया, और उस शो में उस बंदे ने बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे ऐसी एक्टिंग करके दिखाई कि शो सुपर डुपर हिट हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी बॉस, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट एटकिंसन यानी मिस्टर बीन की, जिन्होंने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी हरकतों से हमारे बचपन को इतना एंटरटेन किया है। बॉस, कमियां सब में होती हैं, सबके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कुछ लोग उन कमियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। जरा इमेजिन करना कि अगर उस दिन ये बंदा अपनी कमी को लेकर बैठ जाता तो क्या आज कोई इसे जानता, शायद कभी नहीं। इसीलिए हार मत मानो, जो सामने प्रॉब्लम है उससे ज्यादा पावरफुल तुम्हें बनना है, और ऐसा हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस के दम पर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेहनत के दम पर। क्योंकि प्रैक्टिस वो नशा है, जिसकी लत लग गई ना तो बंदे के मुकद्दर में कामयाबी लिखी जाएगी। और हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो आप हमारे सेकंड चैनल में भी विजिट कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो या बात करनी तो हम मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, हमारे इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।